How many times in our preparation have we felt ki probably we have completed the entire topic, the entire syllabus, yet we fail to score good in the mocks or the tests that we appear for? Yeah, phir cut off, crack, nahi hota hai. Welcome to this particular video wherein I'm going to talk about neuroscience and educational psychology, wherein professors like Professor Elizabeth Jock and Robert Jock with their

दैट इज़ समथिंग वे इंटीग्रेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड वी टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं उन सबको एकूमुलेट करके आपको सिंपल टर्म्स में लेम इन टर्म्स में समझा दूंगा कि ये जो न्यूरो साइंस है पैदाकोजी है या फिर साइकोलॉजी न्यूरो एडुकेशन क्या कहता है एंड डीज पीपल हैव बिन डिस्टिंग्विश्ड फेलोज ऑफ यू नो सम मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक यू नो प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोनिया एंड उनके रिसर्च के ऊपर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिस्पाइट स्टडिंग प्रॉपरली इफ यूर नॉट एबल टू स्कोर गुड इन द एग्जामिनेशन प्रोबेबली देर इज अ सर्टेन राउट विच यू आर नॉट फॉलोइंग दैट इज वॉट न्यूरो साइंस सेस दैट इज नॉट मी स्पीकिंग न्यूरो साइंस एंड जो एजुकेशनल पैडागलॉजी है वो आपको यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि न्यूरो साइंस के हिसाब से आपकी ये ब्रेन सेल्स है एंड ये डायरेक्टली आपकी कनेक्टेड होती है कि हम लोग क्या इनपुट दे रहे चाहे वो विजुअल हो या पिक्टोग्राफिक हो और पिक्टोग्राफिक इनपुट और विजुअल इनपुट्स को आप जब प्रोसेस करते हो दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ स्टिमुलस दैट इज कमिंग इन फ्रॉम द एनवायरमेंट सो उन स्टिम्युलस को कैसे साइड में रख के आप अपनी पढ़ी हुई चीजों को रिटेन ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे हाउ डू यू रिटेन दैट दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या तरीके के प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो इफ यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस वीडियो की नंबर वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम डैट मेनी स्टूडेंट्स फेस इज दैट दे कम अप टू मी की वैन यू सिट फॉर योर एग्जाम यू फाइंड द क्वेश्चन आर फेमिलियर क्वेश्चन आपको फेमिलियर लग रही है नो डाउट यू आर फाइंडिंग द क्वेश्चन आर वेरी फेमिलियर बट यू फेल टू आंसर डिम करेक्टली आप जब घर आ के फिर आंसर की मैच करते हो आंसर आप गलत मार्क करके आ जाते हो हालांकि वो टॉपिक आपने पढ़ रखी होगी इफ़ यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम प्लीज बताएंगे बिकॉज ये थ्योरी आपको काम आने वाली है नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग इज यू कैन टू फॉरगेट ओनली डैट कंसेप्ट एट दैट इंस्टेंट ऐसा है कि पूरी किताब शायद आपको याद हो गई कि जियोग्राफी की पकड़ लो क्लाइमेट से एक क्वेश्चन आ गया तो आपको उस समय ओशनोग्राफी याद आ जाएगी आपको फिजियोग्राफी याद आ जाएगी हर चीज याद आ जाएगी बट यू विल नॉट रिकलेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम या डैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और क्वेश्चन ऐसा होता है क्या कभी कभार बताइएगा थर्ड इज दैट वेन यू स्टार्ट देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ इथ से ठीक है आप जब एक आध क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है एग्जाम में देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि क्या मैं सही तरीके से तैयार भी कर रहा हूं एम आई प्रिपेयरिंग इन द राइट मैनर आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो एंड देन योर कॉन्फिडेंस गेट्स डाउन ठीक है आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो घटने लगती है एंड देन पूरी गेम बिगड़ जाती है वंस यू फील लो अबाउट योर ओन सेल्फ उसके बाद क्या हो जाता है कि भाई आपको लगता नहीं है कि आप मेरे से एग्जाम होने वाला है एंड देन पूरी गेम आपकी बिगड़ जाती है ट आर द थिंग्स इसको कहते हैं एज पर प्रोफेसर जॉक वो कहते हैं कि इसको कहते हैं फ्लुएंसी इल्यूजन ठीक है आप जो फ्लुएंसी आप अपने दिमाग में लगा ये चवी आपको शायद बहुत ही फेमिलियर लग रही होगी एग्जाम में सब पढ़ के जाते हैं बट फिर भी लगता है कि भाई कुछ नहीं आता है तो डैट इज़ बिकॉज ऑफ इल्यूजन ऑफ नॉलेज आपके पास आ गया है और ये अपनी थ्योरी में प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जो ऑडियो विजुअल पैकेजिंग है एंड द एक्सटेंट ऑफ आपकी परसीव्ड नॉलेज है वो काफी लेवल्स पे सेपरेट होती है दैट कि जो आपका एक्चुअल नॉलेज है आपको जितना पता है जो परसीव्ड नॉलेज है वो बहुत अलग होती है दोस्तों आप अगर डार्क यू नो सॉरी पहले ग्रे वाला कलर देखते हैं लेट अस टेक द ग्रे कलर तो आप देखिए परसीव्ड नॉलेज जब आप थोड़ा सा भी कुछ भी पढ़ते हो आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को सब आता है आई एम अ मास्टर इन दिस फील्ड

इफ यू नॉट डूइंग द राइट थिंग्स क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा अभी दैन द ग्राफ गोज डाउन एंड आपको वो चीज भूलने लग जाएंगे आप और जो एक्चुअल नॉलेज है वो भी यहाँ पे घटने लगती है सॉरी द परसिव नॉलेज ऑल्सो यू नो सीज अ डाउनवाइड डाउनवर्ड ट्रेंड बट द एक्चुअल नॉलेज तो आपकी है ही कम और उसके बाद वो फिर नीचे आने लगती है ये प्रॉब्लम एक्चुअली आपका रिफ्लेक्ट होता है इन द रियल एग्जामिनेशन इसको कहते हैं द इ्यूजन ऑफ नॉलेज या फिर फ्लूएंसी इल्यूजन इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं ठीक है इसको सली देखने की कोशिश करते हैं सो so, आपको यह नहीं भूलना है कि भाई आपके दिमाग में जो भी इनपुट जा रहा है वी फॉरगेट दैट वी ऑल्सो फॉरगेट ठीक है ये कोर्ट को ध्यान से पढ़िए कि हम ये भूल जाते हैं कि हम भूल भी जाएंगे चीजों को ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए जिंदगी के लिए वो याद रहने वाला आप राइट सो दैट इज समथिंग वी हैव टू सी हियर दोस्तों तो स्टेप्स क्या करना है लेट टॉक अबाउट द रियल यू नो कंटेंट हियर ठीक आपको करना क्या है सर हाउ टू हाउ टू बीट दिस बीट द फ्लुएंसी इल्यूजन फ्लुएंसी एल्यूजन को कैसे हम तोड़ सकते हैं इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो स्टेप नंबर वन इज लेट से आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो कोई भी यू नो बुक उठाते हो वट एवर यूर स्टडी एम नॉट हेम्परिंग योर स्टडी रोटीन हीयर आप बेशक अपने प्लान के हिसाब से उठाएं वट एवर यूर स्टडिंग हिस्ट्री पॉलिटिक जोग्राफी एम नॉट रि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट आप जो भी उठा रहे हो चाहे चैप्टर वन उठा रहे हो या चैप्टर टू उठा रहे हो आज जो भी जो लोग इसको ट्राई करेंगे एक बार ट्राई करके बताना कल कर, कि दे डिट हेल्प राइट तो पिक एनी चैप्टर स्टेप नंबर वन पढ़ना तो पड़ेगा ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हो जाएगा नंबर टू आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप वन यानी कि आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़े ठीक है यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों यू कंप्लीट दैट चैप्टर जिस भी प्रकार से आप पढ़ते हो कंप्लीट दैट चैप्टर कम्प्लीट द चैप्टर जो भी आप जिस तरीके से वट एवर इज योअर पैटाजॉलॉजी उसके हिसाब से आप उसको कम्प्लीट करें फिर उसके बाद एक ए फोर शीट ले टिकोर शीट सबके पास होती है एंड मैं कॉपी क्यों नहीं कह रहा हूँ इसका भी एक रीज़न है यूजली पीपल विल टेल कि कॉपी ले लो बट आई एम टेलिंग पिक अ ए फोर शीट पेपर एंड राइट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लगा ना कि ये चैप्टर जो मैंने उठाई थी इसमें से ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स होंगे इस प्रकार से पैराग्राफ्स होंगे तो उसमें से आपको शायद लगेगा कि भाई द एंटायर पैराग्राफ प्रोबेबली इज नॉट इंपॉर्टेंट तो आपको लगेगा कि ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है तो जो भी आपको लग रहा है जो भी आपको लग रहा है साइकोलॉजी सेज कि आपको जो भी आपको लग रहा है वो आप एक बार जॉट डाउन करें ओके यू ट्राई टू जॉट इट डाउन इन दिस ए फोर शीट पेपर इस ए फोर शीट में आप इसको जॉट डाउन करेंगे एंड मेक श्योर कि आप पूरा का पूरा चीज जॉट डाउन नहीं करके बैठेंगे यू यू विल नॉट ट्राई टू नो

आप मॉक लगाएंगे यू विल पुट डाउन अ मॉक ठीक है आप सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज एक मॉक लगाएंगे एंड आप देखेंगे कि उस मॉक में आपका कितना नंबर आया है किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है ये सब मैं विद इन अ टू टू थ्री डेज स्पैन कह रहा हूं दोस्तों आज आपने पढ़ा कोई भी कंसेप्ट उसकी नोट बनाई आपने आज शाम को या कल सुबह को एंड कल शाम को आप उसका मॉक लगाएंगे फाइन आपने टॉपिक पढ़ा और उसका नोट बनाया उसका मॉक लगाया एंड देन मॉक में ऐसा तो नहीं होगा कि पढ़ने के बाद भी कुछ ना कुछ तो गलती होता है तो जो मिस्टेक्स होंगी दोस्तों यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ मिस्टेक्स इन दैट सेम ए फोर शीट जो ए फोर शीट आपने पहले बनाई थी इन स्टेप नंबर टू उस ए फोर शीट को निकालेंगे एंड देन यू विल एड एक्स्ट्रा थिंग्स इन दैट ए फोर शीट अगेन ठीक है तो ए फोर शीट जो था उसमें दो भाग होंगे तो एक वाले में तो आपका जो बुक से आपने पढ़ा था उसका समरी और दूसरा यहां पे मॉक वाला समरी बोट ऑफ डीज ए ज्वाइंड टूगेदर विल बिकम ए वेरी बिग रिसोर्स बहुत बढ़िया रिसोर्स बन जाएगा बेस्ड ऑन योर मॉक्स और ऐसा आप करते जाएंगे करते जाएंगे मल्टीपल मॉक्स लगाएंगे बुक्स एक ही डो नॉट ट्राई टू पिक एनी अदर बुक डो नॉट गो फॉर बुक रिसोर्सेस हाँ मॉक्स जरूर से आप लगाएंगे क्वीजेस लगाएंगे हमारी प्लेटफॉर्म में आपने एप्लीकेशन में देखा होगा टॉपिक वाइज हम लोग मॉक्स एंड क्विजेस देते हैं आपको जैसे कि कोई क्लास खत्म होता है फ्री सेक्शन में आप जाके वहाँ पे उसी टॉपिक के ऊपर एक क्विज उठा सकते हो उसके फिर सोल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस भी आपको प्रदान हो जाती है बाइजूस एग्जाम पर की एप्लीकेशन पर जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो सो ऑल ऑफ दिस पैटेगॉजी कैन बी फॉलोड इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर एंड इसको आपको फॉलो करना है आने वाले चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए भी अब आप पूछेंगे कि सर इससे होगा क्या इससे होगा ये कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक ऐसा ए4 शीट का एक फाइल बन जाएगा जिसमें ना केवल सारे चैप्टर्स हैं ना केवल सारे चैप्टर्स बट आल्सो उसके मॉक्स हैं और वो ज्यादा नहीं है एक-एक चैप्टर के लिए एक-एक या दो-दो ए4 शीट एंड मॉक्स में आपको सारा चीज बन जाएगा सो so, बिफोर द एग्जामिनेशन बिफोर द एग्जामिनेशन जब आप कट ऑफ के लिए यहां पे भागते रहते हो डरते रहते हो ये कैसे अचीव होगा ये कैसे अचीव होगा आपके पास एक बहुत ही शॉर्ट एंड अ वेरी क्रिस्प रिसोर्स होगा थ्रू विच यू कैन रिवाइज एंड लेट मी टेल यू दैट बिफोर द एग्जाम वेन यू टेक अप न्यू रिसोर्सेज, योर ब्रेन सेल्स अगेन गेट्स जैम्ड बिकॉज वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी इन शीट्स में नहीं है सो ऑलवेज बिफोर योर एग्जामिनेशन डो नॉट पिक एनी डो नॉट पिक एनी न्यू रिसोर्स तो प्रोफेसर जॉग कहते हैं कि हम लोग जो रिटेंशन वाला चीज है वो साइकिल कंप्लीट नहीं करते फर्स्ट इज दैट वी हैव स्टडी रेड अ थिंग डैन वी हैव यू नो नोटेड इट डाउन दैन वी हैव अपियर्ड फॉर अ मॉक एंड वी हैव रिवाइज दीज आर द फोर स्टेप्स ऑफ कंप्लीटिंग द एंटायर साइकिल ऑफ ग्रेस्पिंग एनी थिंग परमानेंटली इन आवर ब्रेन्स So, आप जब नया नया चीज उठाते हो एंड उसको रिवाइज नहीं करते हो सो डैट डज नॉट फिट इन फोर स्टेप्स डेट प्रोफेसर जॉक सजेस्टेड एंड दैट इज वॉट आई वुड टेल यू की विल बी मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल इन क्रैकिंग द कट ऑफ दैट यू ऑल डिजायर फॉर तो ये सी डी एस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फर्स्ट की कट ऑफ है इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक द कट ऑफ फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉलो दिस एंड आप मेरे को बताएंगे कि आपको इसका रिजल्ट मिला है क्या फॉर मोर ऑफ सच टिप्स एंड अपडेट्स ज्वाइन माई टेलीग्राम आई डी यू कैन स्कैन इट हियर For PDFs and update of sessions. Thank you so much. Hope this video was of some help to you. And if you feel that you are in any other trouble, do put down in the comment section. I will make sure that I will help you out and achieve the success that you want. So thank you so much. Bye bye and Jai all of you people.